डेल्टा प्लस वेरिएंट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मामले। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भारतीय टीके प्रभावी। भारत में अब तक 40 से अधिक मामलों की जानकारी हुई है। केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में समूह में पाए गए, पंजाब, आंध्र, कर्नाटक और जम्मू में अलग अलग मामले पाए गए, कुछ मामले ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी तहर का कहर शुरू। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 लोगों की मौत हुई। जांच में पाया गया कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट 3 दिन में गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। चारों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी थीं। भोपाल में महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला था। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले मिले। डेल्टा प्लस के मामले एमपी के 6 जिलों में मिले। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में नए केस मिले। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के साथ ही लखनऊ के बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। हर एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन शहर के प्रमुख बाजारों में कोविड 19 की गाइडलाइन का न तो दुकानदार पालन कर रहे हैं और न ही आम आदमी, जिसकी वजह से खतरा कभी भी अपने पैर पसार सकता है। बाजार में न तो लोगों ने मास्क लगा रखे थे और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण ने जिस तरह से अपना कहर बरपाया था, उससे लखनऊ वासियों ने कोई सबक नहीं लिया है। मार्च 2020 से पहले जिस तरह से रहते थे, कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बाद भी उसी तरह से बाजारों में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से घट रहा है। अब 47 जिलों में 50 से कम कोरोना रोगी हैं। महोबा कोरोना मुक्त हो चुका है और इसके सहित 8 जिलों में अब 10 से कम कोरोना संक्रमित रोगी हैं। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 255 नए मरीज मिले। जिन जिलों में अब कोरोना के 10 से कम मरीज हैं, उसमें कौशाम्बी व कासगंज में 2-2, चित्रकूट में 3, बदायूं में 5, श्रावस्ती में 6, हमीरपुर में 8 व हाथरस में 9 रोगी हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 4000 से कम हो गई है। वर्तमान में 3910 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 जून को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL पहुंचकर देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह 2 दिवसीय दौरान विमान वाहक पोत के समुद्री ट्रायल में देरी होने के दौरान किया जा रहा है। पोत को इस साल पहले 6 महीने में समुद्र में उतारकर उसका परीक्षण किया जाना है, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण ये परीक्षण को टाल दिया गया था। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर हरदीप गुलेरिया ने बताया कि सितंबर तक बच्चों के लिए देश में कोवैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर इस्तेमाल करने के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम सितंबर माह तक आएंगे और उसी महीने में इस वैक्सीन के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेता के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आज जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग वर्चुअली होगी और इसके परिसीमन को लेकर इकट्ठे किए गए डेटा पर चर्चा हो। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाजों के निर्माण के लिए समझौता किया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए खरीदे जाने वाले ये दोनों जहाज 583 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इन दोनों जहाजों के मिलने पर तटरक्षक बल की समुद्र में तेल लीक होने जैसी घटनाओं से निपटने की क्षमता में अहम बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही सुरक्षा बल का प्रदूषण प्रक्रिया तंत्र भी मजबूत होगा। गोवा शिपयार्ड पहले जहाज की डिलीवरी नवंबर 2024 में देगा, जबकि दूसरा जहाज मई 2025 में तटरक्षक बल को मिलेगा। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन की जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने कहा कि भारत सरकार के साथ हमारी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत 2022 तक थिएटर कमांड बनाएगा। उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में पहले ही अपनी सीमाओं और खतरों को देखते हुए पहले ही थिएटर्स कमांड बना लिए हैं। लंबे अरसे से थिएटर कमांड्स की चर्चा हो रही है, लेकिन अब 2022 तक देश में भी इन्हें बना लिया जाएगा। भारतीय वायुसेना अगले 2 दिन, आज और कल को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नेवी के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन में ये ऑपरेशनल गतिविधियां होंगी। मित्र देशों के रक्षा बलों के साथ ये एक रणनीति अभ्यास का हिस्सा है। ये एक्सरसाइज दक्षिण वायु कमान के AOR से भारतीय वायुसेना के 4 ऑपरेशनल कमांड के तहत ठिकानों से संचालित होगी। बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार चीनी नागरिक ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों के अनुसार उसने बताया कि चीन के विभिन्न एजेंसियां रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करने का प्रयास कर रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू और BJP विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह को भाजपा ने गोरखपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूर्व में ये भी साधना सिंह 2010 से लेकर 2015 के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रही हैं।
सहकारिता भर्ती घोटाले में SIT द्वारा मुकदमे में दर्ज किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने सहकारिता विभाग की बड़ी तादाद में तबादले किए। कई सालों से मुख्यालय से लेकर मंडली पदों पर जमे अधिकारियों का तबादला कर इधर उधर कर दिया गया। UP कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष दो पदों पर नए अधिकारी की तैनाती दी गई है। वरुण मिश्रा को MD और नरेंद्र कुमार सिंह को मुख्य महाप्रबंधक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के अवैध फार्म हाउस और मार्केट को जिला प्रशासन ने इसे बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। तोड़े गए फार्म हाउस और मार्केट दोनों की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाने का आरोप है। सपा नेताओं पर अलग अलग स्थानों पर जमीन पर कब्जे की एक सप्ताह में 4 FIR दर्ज हो चुकी है। UP शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर उनके ड्राइवर की पत्नी ने डरा धमका कर रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। महिला मंगलवार को कई अधिवक्ताओं के साथ सादतगंज लखनऊ कोतवाली पहुंची और वसीम रिजवी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस महिला की तहरीर के आधार पर इस मामले में जाँच कर रही है। महिला के मुताबिक उसके पति कई वर्षों से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के यहाँ गाड़ी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। BJP सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और यही वजह है कि लखनऊ में रोज कोई न कोई बड़ी बैठक हो रही है। इस कड़ी में मंगलवार देर तक BJP कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने 2 बार प्रदेश की सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पदाधिकारियों के दौरे के दूसरे दिन BJP के प्रदेश मुख्यालय में कई सत्रों में यह बैठक चली, जिसमें संगठन ही सेवा मंत्र के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक संरचना को पूरा करते हुए निचली इकाई तक पार्टी संगठन को मजबूत करने की योजना बनी, साथ ही प्रदेश में गरीबों व जरूरतमंदों को BJP सरकार की ओर से दिए जा रहे निःशुल्क राशन का फायदा सभी पात्र व्यक्तियों को मिल सके इसके लिए सांसद विधायक पार्टी पदाधिकारियों और बूथ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना तैयार की गई। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हर तरह से हरित होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरे तरह से पर्यावरण फ्रेंडली बनाया जा रहा है। भारत को हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग प्रणाली तैयार करने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। इससे पहले किसी देश ने इस तरह की रेटिंग अभी तक तय नहीं की है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल व नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से रेटिंग तैयार की गई है। इसके लिए जो मानक तैयार किया गया है, उस मानक पर पहले से ही अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दौड़ रहा है। UP में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नोएडा में 10 नए थाने बनाने का फैसला। नोएडा फेस 1 सेक्टर 142 में थाना बनेगा। सेक्टर 63 ओखला बैराज में थाना बनेगा। सेक्टर 115 सेक्टर 106 में थाना बनेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 18/6 लखनऊ में एक जगह सड़क को खोदा और ड्रिल मशीन से अंदर ही अंदर खोदाई कर दी। प्रेशर से ड्रिल मशीन चलने से पानी की पाइपलाइन लीक हो रही है और फिर सड़क कब बैठ जाए कहा नहीं जा सकता है। बिजली और टेलीफोन की भूमिगत केबल डालने वाले ठेकेदारों की मनमानी से अफसर भी अनजान बने हैं। ये ठेकेदार शाम से ही मशीनों को लगा देते हैं और रात में ड्रिल कर भूमिगत केबल डालकर चले जाते हैं। फिर चाहे पाइप लीक होने से पानी का संकट गहरा जाए या फिर कुछ दिन बाद सड़क बैठ जाए, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। थानों में ठेकेदारों के खिलाफ दी गई तहरीर भी महज कागज का टुकड़ा ही बनकर रह जाती है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में चल रहा कोरोना मृतकों के आंकड़ों का खेल। हर दिन कई जिलों में जोड़े जा रहे 5 से 10 मृतक। हर जिले में छूटे थे बड़ी संख्या में मृतक, पहले मौत को छुपाया, पोर्टल कर रहे अपडेट, अब समायोजन की रणनीति अपनाई जा रही। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। PM मोदी के स्तर पर बैठक उचित पहल। जम्मू कश्मीर के संबंध में 24 को 14 लीडरों की बैठक। बैठक ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी। जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली में मददगार होगी। वहाँ आम चुनाव जैसे मुद्दों पर देश की निगाहें। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले चुनाव आयोग की बैठक। डिप्टी कमिश्नर के साथ वर्चुअल बैठक। जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर होगी चर्चा। आज चुनाव आयोग की बैठक 2 भाग में होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए आतंकवादियों के पनाहगाहों को तत्काल नष्ट किया जाना जरूरी है। उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित करनी होगी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस से कहा कि आयकर विभाग के नए पोर्टल में आ रही खामियों को तुरंत दूर किया जाए। वहीं सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि पिछली ITR देखने, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया बढ़ाने सहित 5 तकनीकी खामियों का 1 सप्ताह के भीतर समाधान कर लिए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए।
आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास इस्लामाबाद के 146 किलोमीटर के दायरे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 आंकी गई। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।